शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
इस गांव की जमीन का हर टुकड़ा मेरे नाम होना चाहिए। ये जानते हुए भी तुम माधो की जमीन के कागज पे अंगूठा लिए बिना आ गए। तू अच्छी तरह जानता है कि मुझे अंगूठा लगा हुआ पेपर चाहिए या उस आदमी का कटा हुआ अंगूठा जो इस पेपर पर लगने से इनकार करता है। ठाकुर, जब नथुराम को मारकर इस कागज पर अंगूठा लगवाया था ना, तो पूरे 3 महीने की जेल हुई थी। 3 महीने। तब तूने ही कहा था कि जब तक हाथापाई से काम हो ना, खून मत बहाओ। इसीलिए छोड़ दिया साले को। हाँ, लेकिन अगर तू बोले ना ठाकुर, तो उस माधव के अपने खून में उसी का अंगूठा डुबोकर इस कागज पर लगवा कर ले आऊं। मुझे अंगूठा लगे हुए जमीन के कागजातों का ढेर चाहिए, ताकि उस जमीन पर मैं कैसी शानदार हवेली बना सकूं जो दुनिया का 8वां अजूबा। जैसे ताजमहल बनाने के बाद हजारों कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, ठीक उसी तरह ये हवेली बनने से पहले हजारों आदमियों की लाशें भी इसकी नींव में दफन कर दी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो हमारा जुलूम ऊपर से सूखा, दबोच लिया भैया, दबोच लिया गांव वालों को, इन दोनों के बीच दबोच लिया। हाय 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 हाय, कुत्तों की तरह गांव छोड़कर भाग रहे हैं। बस अब डर है तो सिर्फ उस बुढ़े मौनी बाबा का। अगर उसने कह दिया कि बारिश होगी तो भैरव भैया गांव में बारिश जरूर होगी। अरे बारिश तो तब होगी जब वो बुढ़ा कुछ बोलेगा। लाला, इससे पहले वो बुढ़ा कुछ बोले मैं उसकी जबान काट डालूंगा। मगर भैरव भैया, अगर तुमने जबान काटने में जरा भी देरी कर दी तो एक उजड़ता हुआ गांव फिर से बस जाएगा। छोड़कर मत जाओ। तुम लोग सूखे के डर से गांव छोड़कर जा रहे हो, मगर गांव छोड़कर जाने से तुम्हारी तकदीर नहीं बदल जाएगी। ए भैया प्रभु, मत जाओ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, भगवान के लिए धरती माँ से मुंह मत मोड़ो। माधव भैया, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमसे हमारे बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती। माधव चाचा, हमको खाना मिल जाएगा ना? हाँ बेटा, हमें खाना मिलेगा, हमारे पेट भरे रहेंगे। इसीलिए तो मौनी बाबा ने इतने दिन का उपवास रखा हुआ है। मौनी बाबा पर इतना विश्वास है भैया कि बारिश जरूर होगी? हाँ है, मेरी बहन, मुझे विश्वास है। और इसी विश्वास के सहारे मौनी बाबा ने 10 दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं छुआ। मौनी बाबा को विश्वास है कि उसकी श्रद्धा भगवान के लिखे हुए को मिटा सकती है। तो आओ आओ मेरे साथ, हम सब हाथ जोड़कर दुआ करें उससे, ताकि हमारी दुआ आसमान का सीना चीरते हुए उसके कानों से टकरा जाए, ताकि वो रोए, उसका कलेजा फट पड़े। वो रोए और इतना रोए कि उसके आंसू बारिश बनकर इस धरती पे बरस पड़े। बोल कमीने, बारिश नहीं होगी। अरे भैरव, ये नहीं बोलेगा भैया, ये नहीं बोलेगा। अरे ये क्या, इसका बाप भी बोलेगा कि बारिश नहीं होगी। जब तू बोलेगा कि बारिश नहीं होगी तो इस गांव के लोग इस गांव को छोड़कर भाग निकलेंगे। भैरव, और हमारा सपना पूरा हो जाएगा। उस जमीन पर हम एक आलीशान हवेली बनाएंगे, तुझे भी एक कमरा देंगे, आराम से माला जपते रहे। चल बोल दे, बारिश नहीं होगी, बोल दे। अबे बुड्ढे बोल, तू नहीं बोलेगा। अरे अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इतने बड़े संत आदमी का सर पत्थर से टकरा रहा है। इतना पवित्र खून बहा दिया तूने। बाबा क्यों अपने आप से दुश्मनी ले रहा है? क्यों अपने आप से दुश्मनी ले रहा है? बोल देना बारिश नहीं होगी बाबा। बाबा बोल देना, बाबा बोल देना बारिश नहीं होगी, बोल देना बारिश नहीं होगी। मैं बुलवाता इससे।
बोल, बारिश नहीं होगी। बोल दे साले, बारिश नहीं होगी। बोल, बारिश नहीं होगी। राम 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 राम। बोल। हे राम। बोल दे। मरेगा साला ऐसे ही। बारिश होगी, अवश्य होगी। मौनी बाबा का खून बहाकर इस जमीन को जख्मी बना दिया है कमीने, लेकिन याद रख, मैं तेरे सपने कभी पूरे नहीं होने दूंगा। तू इस धरती मां के सीने पर अपने पाप का महल कभी खड़ा नहीं कर पाएगा। धोखा दिया है तूने लोगों को शराफत का नकाब पहनकर। आज मैं तेरा ये नकाब नोच कर फेंक ले आया हूं ठाकुर, ताकि दुनिया तेरा असली खिलौना चेहरा देख सके। मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि मौनी बाबा का कातिल तू है, खूनी तू है, हत्यारा है तू। शब्बीर, इस कुत्ते को ऐसी जगह पर फेंक कर आओ जहां से उसके भौंकने की आवाज सुनाई ना दे। दीदी, ओ दीदी, मैं तो आपके भाई जैसा हूँ दीदी, लेकिन इस गांव के अंदर कोई भी लड़की आपकी भाभी बनने के लिए तैयार नहीं दीदी। मेरे को एक बीवी दिला दो ना दीदी। भैया, मैंने बहुत सोचकर तुम्हारे लिए एक लड़की देखी हूँ और नाम है हसीना। खुलते ही किसकी शक्ल देख ली, आज तो खाना नसीब नहीं होगा मंगल भैया। अरे चुटको, क्या है? किसी महाराज से बोल कि 200 अंडे, 200 पराठे, 30 मुर्गे और 40 बकरे तैयार करें। कुंभकर्ण जी उठे हैं, नाश्ता करेंगे। ए चाचा, समझा दे अपनी सड़ी हुई बेटी को, किसी दिन सवेरे सवेरे उल्टी आंख का झपड़ पड़ जाएगा तो भरी जवानी में पूरी की पूरी बत्ती सी बाहर निकल आएगी। कितने प्यार से ऊपर बैठ के गन्ना चूस रही है। ले जाओ तक, बच्ची कहेगी। हाय, मैं बच्ची हूँ? तू बच्चा है, तेरा बाप बच्चा है, तेरा पूरा खानदान बच्चा है, तेरा नाना बच्चा है, तेरा दादा बच्चा है, मुझे बच्ची कहता है? भैंगड़ा, तू कभी जिंदगी में हंस
बहुत लाड़ में आ रही है रे। हंसाता क्या? अबे चल, अरे चल चल बाहर यार। अरे बस बेटा बस, तू भी क्या सुबह सुबह उसको मुंह लगता है? मुझे तो चिंता इस बात की है कि शादी के बाद तुम दोनों की आपस में शादी शादी इस गोचरा से नहीं बाबा, नहीं तू ही शादी कर लेना, तभी नहीं वो हसीना से करो शादी। अरे शादी तो मैं करूंगा तेरी उस अंगूठा आराम से। अरे मंगल बेटा, तू उसकी बात छोड़, मेरी बात सुन। शहर जाकर बीज ले आ, कल जब राधा खाद बनाएगी ना तो तेरे बीज भी डाल देगी। इस साल हमारे गांव में बारिश बहुत अच्छी हुई है, भगवान ने चाहा तो फसल और भी अच्छी होगी। हाँ चाहता हूँ। ए छुटके पकड़। ए गोचुराम, ठीक से सुना ना, बीज लेकर आना। हनुमान जी जैसे पहाड़ उठाकर लाए थे वैसे बनिया की दुकान उठाकर मत लाना। तू चुपचाप जाके अपना काम कर, नहीं तो बेकार में पिट जाएगी, चल जा। अरे मंगल भैया, मिलावट राम के पास जो बीज मिलता है वो कहीं बनता ही नहीं, समझे कि नहीं? अबे वो कैसे के बच्चे, मंगल भैया को एकदम असली बीज दे दे। लाला मिलावट राम, अगर मंगल के साथ में जरा भी मिलावट की ना तो मंगल तुझे मिलावट के काबिल ही नहीं छोड़ेगा। आई बात समझ में? ए बच्चे ये ले, संभाल इस मुसीबत को जो चाचा ने मेरे सर पे डाली थी। फेंकता क्या है, हाथ में नहीं दे सकता? अरे अपने लिए लाया है, मुझ पर एहसान करा है क्या? हाँ कर रहा हूँ। लो, जिंदगी में पहली बार सही काम किया। चंपा शालू देखो तो, मंगल महाराज बीज लाए हैं। तुम कब सुधरोगे? जिंदगी में कभी सही काम करोगे या नहीं? तुम बीज लाए हो या बनिया को भेजा? ज्यादा उछल कूद की ना तो मैं तेरी कलाई तोड़ दूंगा, समझे? बड़ा आया कलाई तोड़ने वाला, अगर कलाई तोड़नी है तो उस बनिया की तोड़, जिसने तुझे नकली बीज दिया है। मंगल भैया आओ 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 आओ। लाला लगता है तेरी माँ को यह जरूर पता था कि तेरे खून में मिलावट है, इसीलिए उसने तेरा नाम मिलावट राम रखा है। मिलावट करना तो मेरा धर्म है मंगल भैया। अगर कुत्ते, तूने मंगल के साथ में मिलावट करने की हिम्मत कैसे की? ए? नकली बीज? मंगल भैया ये मेरे सारे के सारे आदमी निकम्मे हैं, इनको ये भी नहीं मालूम कि किसको क्या चीज देनी चाहिए। लेकिन मंगल भैया तुम फिकर मत करो। अरे रामू सामू कालू धन्ना, अरे कहाँ मर गए? अरे यहाँ यहाँ भैया। भैया अरे ये अपने मंगल भैया को ये भी नहीं मालूम है कि सबसे अच्छी खाद इंसानी हड्डी की होती है। क्या भोगता है? हाँ चल बाहर निकल कर भोग। ए देवा देवा भोले भोले मेरी रक्षा करना। Yeah.
क्यों लाला, आज आगे पीछे बहुत दुम हिला रहे हो। लगता है किसी किसान की जमीन के कागज पर अंगूठा लगवा कर आ रहे हैं। अरे अंगूठा होता तो कोई बात नहीं थी, अरे उसने तो मेरे मुंह पर घुसों की बरसात कर दी, घुसों की बारिश कर दी। अरे अरे ठाकुर साहब, मैं मर गया, मर गया, अब मैं जीऊंगा नहीं। हड्डियों का भुक्का हो गया, खून पानी हो गया, मंगल कमीने ने मुझे बहुत पीटा, मेरी मत मारी थी कि मैंने उसे मिलावट वाले बीज दे दिए। क्या दे दिया तूने? तू तो अच्छी तरह जानता है कि मैं सारे गांव को खाली कराना चाहता हूँ, और तू साले बीच देकर उन लोगों की ताकत बना रहा है। मुझे लल्ला को शहर इसलिए भेजना है ताकि वो आर्किटेक्ट बनकर आए और मेरा सपना पूरा कर सके, और तू साले बीच दे रहा है। खामो देड़ दूंगा। उस 2% के छोकरे की बात सुनकर अब मुझको खामोश रहने को कह रहे? अगर हम खामोश रह गए ना, तो मंगल की आवाज के साथ साथ कल पूरा गांव चीख उठेगा, और उस चीख के बीच आपका सपना और मेरी वर्दी दबके रह जाएगी। ठाकुर साहब, आप समझते क्यों नहीं? अगर छोटे से गांव में एक कत्ल हो जाए ना, तो सारे गांव की नींद हराम हो जाती है। आपने मोनी बाबा को मार डाला, माधव को गायब करा दिया, आखिर मुझे भी जवाब देना पड़ता है। ठाकुर साहब, अकलमंद लोग सही वक्त आने पर ही वार करते हैं। क्या हुआ रे छुपके, रो क्यों रहा है? ए, बताएगा भी या रोता ही जाएगा? अरे चपड़ गंजू, ये नकली बिच्छू है, बेकार में डर रहा है। चल जा, जाके खेल, भाग यहां से। बिच्छू रोज सवेरे बहुत तंग करती है, कुंभकरण बोलती है, आज ऐसा मजा चखाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। कुंभकरण जी उठे हैं, नाश्ता करेंगे, 200 पराठे, 200 अंडे, अभी आ रहा होगा मजा है। अरे रोती क्या है, चुप। ये देख नकली बिच्छू से इतना डर गई। साथ यार
तू साथ मेरे सारे मैं समझाता हूं। ये जो खेत है ना, इस खेत से लेके ये सारी जमीन जो जुड़ी हुई है उस पर हमारी हवेली बनेगी। मगर लल्ला, क्या गांव वाले तुम्हें जमीन दे देंगे? अबे कब साला, जब देखो सलेली बातें करता है। अबे नहीं देंगे तो हम छीलेंगे उनसे। अरे काहे डराते हो भैया, हम डर गए ना है? जब देखो जब डराते रहते हो। मगर लल्ला, ये जो बीच में देखा तो ना राहू, जिसका नाम है मंगल, ये ना खुद अपनी जमीन देगा और ना किसी को देने देगा। एक काम कीजिए लाला जी,
इसे घर ले जाइए और खेलते रहिए खिलौना समझकर। भाई साहब, ये मॉरल हवेली तब बन सकता है जब ये सारी जमीन हमारे कब्जे में हो। मंगल, थक गए ना? चलो हाथ धो लो और जल्दी जल्दी खाना खा लो। ये लो, देखते रहोगे या खाना भी खाओगे? क्यों, तुम अपने हाथ से नहीं खिलाओगे क्या? अरे चाचा, तुम अभी तक यहीं पर हो? वहां करना कब से तुम्हें खेत में बुला रहा है? करना मुझे बुला रहा है। आवाज तुझे सुनाई दी, मुझे सुनाई नहीं दी। के यह खड्डे बहुत हैं। अरे इधर आओ, इधर आओ, आओ लल्ला, देखो कितनी खूबसूरत जगह है। वो देखो पहाड़, तो वो पहाड़ के नीचे की और इस तरफ की और उस तरफ की सब जमीन हमने खरीद ली है। अच्छा, अब रहे सासुरे ये दो खेत, वो भी हम खरीद लेंगे, तो तुम्हारा काम चालू। लल्ला भैया, ए लल्ला भैया, एक बात कान खोलकर सुन लो। अरे वो का कहते हैं, हाँ स्नान घर, स्नान घर। अरे वो स्विमिंग पूल की बात करता है। अबे लाला स्विमिंग पूल। अरे हाँ भैया, वही स्विमिंग पूल। लल्ला भैया, वो स्विमिंग पूल के बाजू में हमारा घर होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से देखेगा झांक के खिड़की में से। क्या वाकई में अच्छी जमीन ढूंढी है, लोग भी अच्छे हैं। हाँ, यहाँ और भी अच्छे लोग रहते हैं। तुम आओ इधर बैठो, सोफे पे बैठो। बताओ सर, बैठो बैठो। चल तू अब जा यहाँ से। ठंडा पानी लाऊं? अरे कुछ नहीं चाहिए, तू जा हवा ने दिखा ना। पूछ लो इन भिखारियों को कितना पैसा चाहिए। भिखारी किसको बोलता रहे? तेरे को बोला, क्या कर लेगा बोल। अगर दोबारा इधर आया तो इसी जमीन में गांव का हाल चला दूंगा ऊपर से। अरे बेटा क्यों लड़ता, उनसे बड़े आदमी है जमींदार। बड़े आदमी तो क्या हुआ चाचा, हम जाते हैं उनके घर पे भीख मांगने के लिए। भिखारी बोलता है। छोटे ठाकुर से दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया मंगल। चाचा आप भी कैसी बात करते हैं, ठाकुर और छोटे ठाकुर जो कहते क्या मंगल मान लेता? भाई सबको मानना पड़ेगा, हम लोगों के पास तो कोई चारा ही नहीं। वो हमारा ही नहीं, सारे गांव का माई बाप है। मंगल की माँ उसकी जमीन है और बाप आसमान। भैया ऐसे देखो तो सबके काम ही तो आता है। हमार बहने पूरे शादी खर्चा ठाकुर साहब ही दे रहे हैं। लगता है ठाकुर तेरे घर राशन भेजता है। जाकर कह देना जिसको भी कहना है उस कमीने को, इस गांव में एक अकेला मर्द है, नाम है उसका मंगल, वो अपनी जमीन कभी नहीं बेचेगा। ये बात अगर ठाकुर के कान तक पहुंची तो तुझे तेरी ही जमीन में जिंदा गाड़ देगा। ओए, किसी मां ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो मंगल को जिंदा गाड़ सके। कल सुबह सूरज की पहली किरण जब धरती को छुएगी तब पूरे गांव को पता चल जाएगा कि कौन क्या करता है। मंगल ने अपने खेत पर यह बोर्ड नहीं ऐसा शीशा लगाया है जो सदा हमारा मुंह चिढ़ाता रहेगा, मगर मैं उस कमीने मंगल की ऐसी शक्ल बना दूंगा कि वो जिंदगी भर शीशा नहीं देख पाएगा। देखो लल्ला, तुम अभी अभी शहर से आए हो, इन लोगों को जानते नहीं, कहीं तुम्हारा ये जोश हमारे होश न उड़ा दे। अरे होश तो आप लोगों के वैसे भी उड़ जाएंगे अगर इसी तरह से डरते रहे तो। ए लल्ला, ये डरने वरने की बात अपन के सामने नहीं करने का। साला शेर चीते से तुम डरते नहीं, और फिर ये मंगल,
अबे मंगल तो सारा एक कीड़ा है, जब चाहेंगे मदद डालेंगे। पर भैरव भैया, जब एक छोटा सा कीड़ा कुत्ते के कान में चला जाता है ना, तो क्या हालत होती है मुझसे पूछो। अरे कुत्ता बना देता है कुत्ता, मसल दो उसे, मसल दो। भैया छोटा मुंह और बड़ी बात करता हूँ, लेकिन उस मंगल की जिंदगी मैंने छीन न ली तो मैं भी ठाकुर महेंद्र सिंह की औलाद नहीं। चुप कर, छीन ना ली। अरे भैरव को समझा इसको, छीना तब जाता है जब उसके पास कुछ हो। शानदार फसल हुई है, ये किसान की मेहनत का फल है। अरे चाचा, हमारी मेहनत का सही फल तो कल मिलेगा, जब मंडी में ये सारा का सारा अनाज अच्छे भाव से बिक जाएगा। हाँ, और सुन, मंडी में जाके अनाज का भाव तो जरा सूझबूझ से करना। हाँ? जसो जाके, जो सुबह शहर जाना है। अच्छा चाचा, चलता हूँ बाबा। ए चुटके, चल रहे। मुझे नहीं आना, घर जाकर बाहर सुला देते हो। देखा चाचा कितना बिगड़ता जा रहा है। कुछ पे गया है। जाओ भाई जाओ, तुम भी सो जाके, बहुत रात हो गई है, सुबह शहर जाना है। इस बार दाम सही सही मिलेंगे, फसल काफी अच्छी हुई है। आ, मैं तो सोचता हूँ इस फसल से साइकिल खरीद लूँ एक। बहुत अच्छे। मंगल, तुम इस बार अपने लिए क्या खरीदोगे? मैं ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई है। मैं इसे अपनी राधा के लिए दो चांदी के अच्छे से कंगन बनवाऊंगा। राधा, देखो अब मुझे छेड़ोगे ना? तो क्या कर लेगी तू? तुम समझते क्यों नहीं? ओ राधा, संभल कर। अरे रे रे रे, गिरना मत, गिरना मत। तुम्हें अपने साथ साथ हमारे उसको भी तो संभालना है। हाँ, तो तुम भी ऐसा तो वो बहुत सताता है। क्या वो तुमको सताता है? उसकी इतनी हिम्मत? अभी देखता हूँ। ये तो वाकई में सताता है। अभी ठीक करता हूँ, ठीक कर दूं ना उसको। अरे हंसो मत, आंख बंद करो, जल्दी से खोलना मत। मंगल, तो बाहर जाके सो जाओ। अगर नहीं गया तो? जाओगे या नहीं? नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे तुम? ऐसे नहीं सुधरोगे। मैं भी बताती हूँ। मुझे घर वाली ने मारा, हमारा
देती है भली भाली, हाथ लगाओ तो देती है गोली। ओ गाली ओ गाली ओ गाली गाली गाली, प्यार से मांगा मैंने श्रीमती से चुम्मा, गुस्से में लाल हुई मेरे मुन्ने की अम्मा। गुस्से में उसने तावा उछाला, तावे से हो गया मुंह मेरा काला। मैं गुस्से वाली के गुस्से से हारा, मुझे घर वाली ने मारा हमारा, मुझे घर वाली ने मारा, मुझे घर वाली ने मारा हमारा, मुझे घर वाली ने मारा। आँखों का तारा था यारो, अच्छा भला मैं कमारा था यारो। ओ यारो ओ यारो ओ यारो यारो यारो, कहना मानो मेरा कभी ना शादी करो, चैन से जियो प्यारे यूं ना पे मौत मरो। मैं जो कहूँ आ सेज सजा दे, वो आके मेरा बैंड बजा दे, मुझको दिखाए में सितारा, मुझे घर वाली ने मारा हमारा, मुझे घर वाली ने मारा, मुझे घर वाली ने मारा मारा, मुझे घर वाली ने मारा। ¡Gracias!
मंगल बेटे, जो होना था सो हो गया, अब इसे अपने हाथों से ब्राह्मणों में बांट दो ताकि मरने वाले की आत्मा को शांति मिल सके। उठो बेटे। आज के दिन मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता हूं। ये अच्छा रिवाज है तुम्हारा, मरे हुए लोगों की रूह को शांति पहुंचाना। और मेरा भाई जो जिंदा है, तुम लोगों की वजह से उसकी रूह तड़प रही है। कमीने! ठाकुर, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, चले जाओ यहां से। चला जाओ? अकेला मैं यहां से नहीं जाऊंगा हरामजादे, मेरे साथ तेरी लाश भी जाएगी। भिखारियों का क्रियाकर्म नहीं होता कुत्ते। मंगल कहाँ है? मैं पूछता हूँ मंगल कहाँ है? मैं पूछता हूँ मंगल कहाँ है? मंगल कहाँ है? बता, बता मंगल कहाँ है? नहीं बताएगी? हाँ? ए, इसका पूरा घर बर्बाद कर दो। अब भी मौका है, बता दे। नहीं? पता मंगल कहाँ है? नहीं। बोल राधा, मंगल कहाँ है बोल। देख राधा, इससे पहले कि तेरी जान चली जाए, पता मंगल कहाँ है? नहीं पता।
आखिरी बार पूछता हूं, बता वो कमीना कहां है, बता। अरे मैं भी देखता हूं कैसे नहीं मारेगी, इसका तो बाप भी मानेगा। बनवारी कभी बेहोश पर हाथ नहीं उठा था। क्या हुआ भैया? ठाकुर के आदमियों ने राधा को, राधा को नहीं बेटे, ऐसे वक्त में अंदर नहीं जाया करते। मगर बाजी राधा को। मंगल बेटे, वो कमीने तो आज तेरी राधा की कोख उजाड़ देते, लेकिन भगवान ने बचा लिया। प्रताप सिंह कुत्ते, अगर एक बात की औलाद है तो आ सामने, सामने आ। कसम मेरे होने वाले औलाद की, तेरे एजड़ों के फौज ने जितने वार मेरी राधा के कोख पे किए हैं, अगर उससे तेरे टुकड़े नहीं कर दिए तो मंगल नाम नहीं मेरा। आदमी जब ऊंची आवाज में बात करता है तो वो टकरा कर वापस आ जाती है, और इस हवेली की ऊंचाई में तुम्हारी आवाज सिर्फ घूट कर रह जाएगी, घूट कर सुनाई भी नहीं देगी। और वैसे भी ऊंची आवाज में बात करने वाले का मैं टीटवा दबा देता हूं। और रही बात इस अंधेरे की, तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हारी जिंदगी में इतना अंधेरा छा गया है कि तुम्हें उजाला नजर ही नहीं आ रहा। नजर उठाकर देखो, उजाला है। ये उजाला नहीं, ये मेरे सीने में भड़कती हुई वो आग है जिसमें जलकर तू मरने वाला है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तेरा लल्ला मरा था। हाँ, जिस तरह तेरा लल्ला मरा था। अगर तेरी जबान से लल्ला का नाम निकला तो मैं तेरी जबान काट लूंगा कमीना से। साले फिर लल्ला का खून मारा है तूने, तेरे खानदान को तहस नहस कर दूंगा साले, उजाड़ कर रख दूंगा कुत्ते साले। क्या वर्ड लगाया था तूने अपनी जमीन पर, बोल ना रे बनवारे। मेरी मर्जी के खिलाफ अगर किसी ने इस जमीन पर पैर रखा, पैर रखा। कितने पैसे कमावेगी? अरे चक्कर पे चक्कर मारे चले जा रही है, तेरे हर चक्कर पे मारे 10 पैसे निकल जावे हैं। अरे कुछ तो हमारी जेब का ख्याल कर। हाय जरा देखो, ऐसा चला करो, धीरे धीरे चढ़ा करो, सीढ़ियों का मामला जो ठहरा। हाय इतना गुस्सा,
अरे धीरे धीरे चढ़, अरे आहिस्ता आहिस्ता चढ़, अरे धीरे, अरे ये भी आ गई। अरे तू अगर 14 चक्कर लगा दे तो माँ कसम मैं तुझे 140 के पैसे चुका दूं। राधा रानी तुम यहाँ कैसे? ठीक है दादाजी, आपके यहाँ बोलो बोलो कुछ काम मिल सकता है? काम? अरे तुम्हारे लिए तो गांव ही काम है यहाँ। वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। जी इसको कहाँ डालूं? अरे कहीं भी डाल, मेरा माथा क्यों चढ़ रही है? जा जल्दी जा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ से वहाँ ऊपर दोनों हाथों से घास की कटरी उठाकर ये ऊपर डाल दी जाओ, ये ऊपर डाल दी जाओ, और हर बार डालने के 10 पैसे, पेमेंट शाम को कैश। अब शुरू हो जाओ। अच्छा नमस्ते। अरे भैरव तू क्यों कांपता है? अरे ठीक से पकड़ रही तो दिखाई नहीं देगा। हाँ धीरे धीरे मुझे देख रहा था जीजे में, मूंछ देख रहा था। मूंछ? हाँ सच मूंछ है या तक। अरे नहीं नहीं दूर। घर में पैदा हुआ है, तेरे भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इससे अच्छा है मर जा, मर जा। हे राधा, हे राधा, राधा ये क्या कर रही है तू? मार डालेगी इसे क्या? अरे पागल, चारों अनाज का एक दाना तक नहीं खाया तूने, तो फिर दूध कहां से बनेगा? ला ला इसको मेरे पास ला। खाना खाना तो तुमने भी नहीं खाया ना राधा, मेरी परवाह तो मत कर। राधा आओ, राधा रानी आ, आखिर भूख की तड़प ने तुम्हें मिलावट राम तक पहुंचा ही दिया। हाँ संभल के रानी, जरा संभल के,
जमीन चिकनी है और तुम्हारे पांव बड़े नाजुक हैं, कहीं फिसल ना जाए राधा रानी। मुझे इस वक्त आटा चाहिए लला। आटा चाहिए? आटा आटा आटा, हाय 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 हाय, मिल जाएगा, जितना चाहो मिल जाएगा। ला पैसे ला, ला 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 पैसे ला। पैसे? पैसे तो मैं कुछ भी करके शाम तक पहुंचा दूंगी लला। तू तो जानती है राधा, सारे गांव में एक मैं ही तो दयालु हूं। जब तू लेने ही आई है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। ये ले, ये ले, ये ले, जा जा, जो जी चाहे ले 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 ले। लला तुम बहुत दयालु हो, लला बहुत दयालु। सत्यानाश। अरे ओ राधा रानी, इतना साफ सुथरा आटा और इस गंदी चुनरिया में शोभा नहीं देता। फेंक दे इसे। नहीं लला, लला मैं तुमसे भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं तुमसे उधार मांग रही हूँ लला। अरे ये दुकान है कोई धर्मशाला नहीं, अपने बाप का माल समझ रखा है क्या? फेंक इसे। लला मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बच्चा भूख से मर रहा है। अरे मरे तो मेरी बला से। लला मंगल ने दो दिन से कुछ नहीं खाया। अरे तू ऐसे नहीं मानेगी। चल लला, लला, लला मेरी बात मानो। लला, लला, तेरे एक पैसे चुका दूँगी, मुझे आटा दे दो। लला, 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 तुम जो बोलोगे मैं करूँगी, लेकिन मुझे आटा दे दो, मुझे आटा दे दो लला, मुझे आटा दे दो। जो मैं बोलूँगा करेगी? अरे पहले कह दिया होता राधा रानी। जा जा, पूरा भंडार तेरा है, ले जा जा जा। लला जा, ले लो, जा जा, ले 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 ले, ले। कब तक झोली फैलाती रहेगी लोगों के सामने राधा रानी? इसीलिए कहता हूँ कि हाथ थाम ले मेरा, पूरा भंडार दे दूंगा, अरे रानी बनाकर रखूंगा। पर राधा रानी थोड़ा सा जहर मिला दे इस आटे में और दे दे उस लंगड़े को, ना रहेगा कुत्ता और ना रहेगा कुत्ते का पिल्ला। कुत्ते! तुम लोगों ने तो सिर्फ अपना ब्याज गवाया है, उस पर इतना चीखते हो हरामजादो? मेरी सोचो, मैंने तो अपना मुद्दल गवाया है। हाँ लल्ला मेरी मुद्दल था, मेरे भाई को मैंने अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहा था। जब से मंगल का बीज राधा की कोख में पल रहा था, तब से बात मेरे दिमाग में पल रही थी। जिस तरह मैं लल्ला के बिना तड़पा हूं, मंगल और राधा भी उसकी औलाद के बिना तड़पे। बता, मैं उस राधा को ऐसा उजाड़ दूंगा कि तुम्हारा कोई औलाद जन्म नहीं लेगी। ठहरो भैया, तुम तो आगे की सोचते हो, लेकिन ये पिल्ला जो ठाकुर के जख्मों को खुरेदता है उसका क्या? ठाकुर, मैंने तो उसी दिन कहा था कि ये कुत्ते को जिंदा मत छोड़ो, अगर उसी दिन मंगल को मार दिया होता तो आज ये औलाद नहीं होती लाला। और औलाद नहीं होती तो उसे एहसास नहीं होता कि औलाद के बिना तड़पना क्या होता है। जिस हवेली के लिए मेरे लल्ला का खून बहा है, उसी हवेली की नींव में मंगल के बेटे का भी खून बहेगा। मंगल भैया, मंगल भैया, मंगल भैया, ठाकुर दीदी को उठा कर ले गए काले पहाड़। राजू की फिक्र मत करो, अब दीदी को बचा लो। बनने का ख्याल रखना तू। अरे वाह लल्ला वाह, ये ले तेरा इनाम। ये क्या? जा जा जाके मिठाई। पैसा नहीं चाहिए, आप कहते थे मेरी शादी करा देंगे, मेरी शादी करा दो ना। अच्छा शादी करेगा? शब्बीर इसकी शादी करवा दे। शादी करेगा? तेरी शादी करवा दूं? चुल्लन लाके दो ना। करवा दूं?
तुम इसका काम तमाम करके आओ, हम लोग वहां पहुंचते हैं। चलो। राधा रानी, मेरे मुंह पर तमाचा मारा था, आटा मल दिया था, मेरे मुंह पर आटा मल दिया था, वो भी इस नाजुक चेहरे पर। देखी राधा रानी, आज मिलावट राम तुझे मिलावट में मिलाकर ही रहेगा। मेरा बस चले तो मैं तुझे आटे में मिलाकर उसके रोटी बनाकर कुत्ते में बांटूं। राधिके, पहरो नाम है मेरा। मंगल, शेर जब घायल हो जाता है तो वो पागल हो जाता है, और मैं पागल हो गया हूँ। तेरे मंगल ने मुझे पागल बनाया है, एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए। ना मत ले धरती माँ का ठाकुर, तुझ जैसे पापियों ने माँ जैसे धरती की आंचल को भी नहीं छोड़ा, उसे भी जख्मी कर दिया। अरे जब औरत जख्मी हो जाती है तो नागिन हो जाती है, और शेर घायल हो जाता है तो पागल हो जाता है। लेकिन जब जमीन जख्मी हो जाती है तो बलि मांगती है। हाँ ठाकुर, तू जैसे पापियों की बलि मांगती है। बलि तो मैं चढ़ाऊंगा ही तेरी, लेकिन औरत हो ना, इज्जत के साथ इज्जत के साथ मौका देकर। एक से दस की गिनती करूंगा मैं, तब तक अपने आप को बलि होने से बचा सकती हो तो बचाओ, जाओ। तू ठीक तो है ना रे? अब तुझको घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब हम आ गए हैं, हम एक को देख लेंगे, और रोधा हम एक को देख लेंगे। तू बाजू हट। अरे देखो, मैंने मंगल के बेटे को खत्म कर दिया, ये रहा उसका सबूत। No!
इन कमीनों ने अपने बेटे की जान ले ली, अपने राजू को मार डाला, मार डाले इन कुत्तों को, तो क्या कर दो? कहते हैं दिया जलाने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। बाबा मंगल और मेरे बेटे राजू की आत्मा को ये दिया जलाने से शांति नहीं मिलेगी जब तक उन तीन कमीनों की जिंदगी तब तक मंगल चैन से नहीं सोएगा बाबा और मेरे बेटा राजू भी चैन से नहीं सोएगा आंसू मत बहा बेटा मत बहा इन्हें संभाल के रख ये वैशी दरिंदे भूखे भेड़िए जब जुल्म करते हैं ना तो चैन से रोने भी नहीं देते सूख जाते हैं ये आंसू और इनकी जगह आंखों से खून निकलता है हाँ खून लाल सुर्ख खून देख मुझे मैं भी इन्हीं कमीनों का शिकार बना था मेरे जिस्म को अधूरा कर दिया उन कुत्तों ने देख देख बेजान पत्ते की तरह लरसता हुआ यह जिस्म खून नहीं है इस जिस्म में सब बह गया सब आंसू बनके लेकिन मैं हां मैं एक हड्डियों का ढांचा जो तेरे सामने ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता झुका नहीं ना ही झुका मैं और ना ही टूटा चलो उठ
आ मेरे साथ, उठ, मैं तुझे बताता हूं जिंदगी की कुछ सच्चाइयां, कड़वी हकीकतें, टूटे सपने। ये देख, ये देख, ये देख, ये लोहा, इसे कोई ना कोई रूप देकर, किसी ना किसी के जरिए मैं उन जालिमों के सीने फाड़ता रहा, चीरता रहा उनकी पसलियां, जाके जिंदगी की सांसें छीन ले उनसे जिन्होंने तेरे मंगल को तुझसे छीन लिया है। तुझे तेरे मंगल की कसम। तुझे तेरे राजू की कसम। Leave me.
याद है कमीने, इसी वैशाखी से मेरे मंगल को मारा था। याद कर कुत्ते। अरे तो रोता ही जाएगा कि बताएगा क्या हुआ। अरे कितना प्यारा आदमी था। हाय 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 हाय, कितनी प्यारी आंखें थी। अरे मैं तेरा कोई नजदीक वाला मर गया लगता है। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। भगवान को जो मंजूर था वो हम क्या कर सकते हैं। अरे हाय 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 हाय, तुझे नहीं मालूम। अरे तेरा रिश्ते वाला भी था। इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इतने छोटे छोटे टुकड़े। हाय हाय हाय, ए ठाकुर, मैंने तो अपनी लकड़ी का इंतजाम कर लिया है। चुप रे, क्या बात कर रहे तू, किसकी बात कर रहे तू। अरे राधा ने भैरवनाथ को मार दिया। भैरव को कब? कब की बात कर रहा है। अरे तू भी मरेगा, तुझे भी मार देगी। दिशाओं दिशाओं, अरे तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, मैं भी तू भी। चुप कर, तू डर मत, तू डर मत। हाँ। देख देख, मैं डरता हूँ? नहीं, नहीं मैं डरता हूँ? जो डर गया सो मर गया। वो उधर से आएगी, मुझे मार देगी, गोली मार देगी। अरे नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। हाँ, दरवाजा बंद कर देता हूँ, यहाँ सो जा तू। बंद कर दो, नहीं तो मेरा गला दबा। फिकर मत कर, एक से भले दो। बल्कि अच्छा हुआ यहाँ सो गया, एक से भले दो। लाला
ऊपर क्या कर रहा है तू? नीचे आ जा। कैसे आओ? नीचे आ जा। अच्छा अच्छा नीचे आ। ठाकुर मुझे कुछ नहीं होगा, ठाकुर मुझे कुछ नहीं होगा, ठाकुर सो जा चंदू रोड के, सो जा ठाकुर मुझे कुछ नहीं होगा ना, क्या कर रहे तू, सो जा। ठाकुर ठाकुर क्या हुआ, इधर हाथ क्यों कांप रहे हैं? हाँ मुझे मुझे लगी लगी है तो बाथरूम में जाना, उधर होगी मुझे मार डालेगी, कुछ नहीं बस चुप। ठाकुर मार देगी, आएगी मार देगी, गोली मार देगी। अपशगुन दूध गिरा, दूध गिरा, अपशगुन पनवती ठाकुर तेरा भी सत्यानाश, मैं नहीं मरूंगा तू मर जा, मैं नहीं मरूंगा मैं तो जा। ए लाला बेटी, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है और तुझे आशीर्वाद है कि तू जहां भी रहे मंजिल खुद ब खुद आगे बढ़कर तेरे कदम चूमे। अब शगुन हो गया, भगवान भला करे। अरे लाला भगवान तो हर बहुत बहुत भला करे। अबे मैंने क्या भला किया है बे? दुकान पे जाके देखो तब पता चलेगा। अबे चल मुर्गी के। चाबी मेरे पास है और दुकान खुली है, क्या बात है? अबे ओ रामू के सुनत तो। लाला तुम्हारे दुकान में अगर तेल के बजाय लड़की मिलती तो मैं शादी कर लेता, एकदम तैयार हूँ। चुप चुप चुप। अरे क्या हो रहा है? अरे अरे कौन हो तुम? अरे ये कौन है? मेरी दुकान कैसे खोली? कैसे खोली मैं कहता हूँ। अरे ये किस खुशी में बांट रहे हो भैया? आए हिजड़े घर में बेटा पैदा हुआ। देवा देवा लाला, माता मैया, राधा मैया, मेरी माँ, माफ कर दे, माफ कर दे, बहुत चोट लगी, राधा बहुत मार लिया, अब मार खाया नहीं जाता, राधा, हे राधा मैया, राधा रानी बॉय, बॉय, नहीं, अरे तू तो मेरी माता है, मेरी माता समान है, मेरी बहना समान है, कुत्ते, तेरे मुंह से मौत बैठ जात, अच्छी नहीं लगती, बॉय, राधा रानी बॉय, 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 छुए, राधा रानी बॉय, नहीं माता मैया, माता बॉय।
फिसल गए ना, जमीन बहुत चिकनी है और तेरे पैर बहुत नाजुक है। कमीने, तुझे इस आटे की कदर नहीं है ना? कुत्ते, यही आटा किसानों के खून पसीने की कमाई है और यही आटा कभी कभी मासूम बच्चों के लिए माँ का दूध बन जाता है। कुत्ते, यही मासूम बच्चों की नई जिंदगी बनता है, समझे? और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और आज इस आटे की अहमियत का एहसास मैं तुझे दिला दूंगी। ये पूरा भंडार ले ले माँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं कल काशी यात्रा को जा रही, मेरी माँ मुझे मार। आज तक तूने लोगों के साथ बहुत मिलावट की है, लेकिन आज मिलावट नहीं करोगे तो ऊपर वाले को क्या जवाब दोगे? माँ, ए माँ, तू जो बोलेगी मैं करूंगा, माँ तू जो बोलेगी मैं करूंगा। लाला, आज तेरे खाने के लिए मैं मिलावट करूंगी। ये क्या? मिला खाओ इसे, कहती हूँ खाओ। भैरव मर गया। तुमने कहा था तुम 6 घंटे के अंदर अंदर राधा को लेकर यहां आओगे, अब तक तुम उसकी जूती भी नहीं ला पाए। आज वो लाला को मारकर चली गई और तुम अभी तक खामोश बैठे हो। मुझे एक बात समझाओ, वो कोई तूफान है क्या? ठाकुर साहब मेरी बात तो सुनिए। मरने के बाद कहना मुझे ठाकुर साहब, मेरी लाश को कहना ठाकुर साहब, तुम लोग समझते क्या हो? वो मामूली औरत मुझे मारेगी? मुझे? वो छोटी सी चिट्टी मुझे से मुगरे को काटेगी क्या? हरामजादी को निकल जाऊंगा मैं, मुझे कहते कि साले को निकल जाऊंगा, कच्चा चबा जाऊंगा, जिंदा जला दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसी जमीन में डाल। ठाकुर साहब कह रहे हैं झूठे। अगर भगवान ने उसे मौत भी दी है तो मैं भगवान के सामने नहीं झुकूंगी। मैं उसकी लाश को शमशान तक नहीं पहुंचने दूंगी। राम नाम सत्य है। बोल दे तेरे पुलिस वालों को अपनी बंदूकें फेंक दे, इनसे कहो अपनी बंदूकें फेंक दे। अब जिस गाड़ी से आए थे उसी गाड़ी में वापस चले जाओ, जाओ। खोलो देखो इस पापी को, भगवान ने इसे इसके किए की सजा दी है, लेकिन इसका आखिरी इंतजाम हम करेंगे। ये वो दरिंदा है जिसने आप लोगों को घर से बेघर कर दिया, आप लोगों की जमीन छीनकर उस पर महल बनाना चाहा, लेकिन अब तुम्हारी जमीन मिल जाएगी, उसे कोई नहीं छीन सकता। ठाकुर प्रताप सिंह अपना खुद का नजारा देखने के लिए काश आज तो जिंदा होता। मौत कभी भी मेरे करीब नहीं आ सकती, ये तुझे तेरी चाल में फंसाने की जाल थी राधा।
और तू फंस गई। अब देखना है राधा, ये तेरे नाजुक बदन के कितने टुकड़े होंगे और हर टुकड़े को मैं नमक डालकर कच्चा चबा जाऊंगा। ठाकुर, मैं नहीं चाहती तेरी और मेरी दुश्मनी में इन गांव वालों का खून बहे। इन गांव वालों के सामने मैं ऐलान करती हूँ कि कल सूरज डूबने से पहले तुझे और तेरे औलाद को खत्म कर दूंगी। ये लो, मार दो गोली इसे, मार दो इसे गोली, पहुंचाओ तुम्हारे कलेजे को ठंडक, मार दो। ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी सुरक्षा के लिए तो ये सब इंतजाम किया है। इंतजाम तो तुमने उस वक्त भी किया था जब वो पूरे गांव के सामने कहकर गई थी कि वो मेरी औलाद को मार डालेगी। ठाकुर साहब, उसकी क्या मजाल के हमारे होते हुए ये सब तुम्हारे होते हुए ही हुआ है, सब तुम्हारे होते हुए हुआ है। एक जिंदा आदमी को मुर्दा बना दिया तुमने। वाह, क्या सिखाया था, सिर्फ तुम्हारी अर्थी निकलेगी। तौबा तौबा तौबा, एक जिंदा आदमी की अर्थी निकाल दी तुमने, इसलिए कि तुम्हारी वर्दी पर स्टार लग जाए, तुम्हें शील्ड मिल जाए कि इंस्पेक्टर शशिराज ने राधा को गिरफ्तार कर लिया। और अब साली मेरी औलाद के पीछे पड़ी। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं नहीं, मैं मेरी औलाद को मरने नहीं दूंगा। मेरे पास मेरी औलाद के सिवा है क्या? मैं मेरी औलाद को मरने नहीं दूंगा। मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी सारी दौलत लुटा दूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन मैं मेरी औलाद को मरने नहीं दूंगा। नहीं, 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 नहीं। प्रताप सिंह भाग नहीं सकता। अगर मैं उसे इस जन्म में ढूंढ न सके तो मैं बार बार जन्म लूंगी। हाँ, बार बार जन्म लूंगी। बरसों से तुम इस उम्मीद पर दिए जलाकर बैठी हो कि इसके उजाले में तुम प्रताप सिंह को ढूंढ लोगी। कहीं ऐसा तो नहीं इतने सालों के बाद प्रताप सिंह मर चुका हो? नहीं, वो नहीं मर सकता। मैंने मंगल के खून से इन हाथों उस कुत्ते प्रताप सिंह के मौत की लकीर खींची है। राधा की तरफ से पुलिस वर्दी पे एक और स्टार। व्हाट इज दिस? इज इट नॉट शेमानस? क्या मालूम राधा पुलिस वालों को जाति दुश्मन समझकर क्यों मार रही है? आपकी चाल के मुताबिक उस पुलिस वाले की लाश पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुकी है और कमिश्नर ने जो राधा पे 1,00,000 का इनाम रखा था उसे 1,50,000 कर दिया है। हमारी चाल कभी नाकाम नहीं होती शब्बीर। अब देखना इस शहर की पुलिस के कुत्तों की तरफ भागेगी। इस फाइल में मेरा इस्तीफा जरूर है मगर इसकी तारीख है 6 महीने बाद की और यह इस्तीफा देने का कारण है इंस्पेक्टर शुक्ला की मौत। यह सिर्फ इंस्पेक्टर शुक्ला की मौत ही नहीं है बल्कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट पर लगा एक बदनुमा दाग है, धब्बा है, कलंक है हमारे फर्ज पर, जो सारी की सारी पुलिस फोर्स एक औरत को 20 साल से आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। विजय, पुलिस राधा को इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि जनता उसके साथ है। अगर उसके साथ जनता है तो मेरे साथ मेरे इरादे हैं, मेरे उसूल हैं, मेरी हिम्मत है, मेरी वफादारी है। सर, अगर इस राधा को 6 महीने के अंदर अंदर जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके आपके सामने न ले आया तो मेरा यह इस्तीफा आपके पास कायम रहेगा। मोना बेटे, बहुत देर हो रही है, आज आपको विजय से मिल के जाना पड़ेगा। हम्म,
अगर 5 मिनट में तेरा विजय नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। एक बात सुन लीजिए आप मेरी, अगर आज आप चले गए ना ये मीटिंग मीटिंग के बहाने, तो ना मैं आपके साथ उठूंगी, ना बैठूंगी, ना खाऊंगी, ना पीऊंगी। हाँ, और सुन लीजिए, आपसे मेरी कुट्टी हो जाएगी। लेकिन बेटे बहुत देर हो जाएगी मुझे। डैडी, वो आ गया। पापा, जोशी, डब्यू। हाय विजय। हाय मोना। विजय, तुम्हें मालूम है आज मैंने डैडी को तुमसे मिलवाने के लिए उनकी सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दी। He's furious. मोना, आज मैं तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। अरे सुनाओ ना जल्दी, ऐसी क्या खुशखबरी है भाई? ऐसी भी क्या जल्दी है, पहले तुम्हारे डैडी से मिल लेते हैं। चलो। कहाँ है? पापा इनसे मिलिए, ये है विजय, यहाँ के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर हैं। हेलो। हेलो। अच्छा डैडी, आप लोग बातें कीजिए, मैं एक मिनट में चेंज करके आती हूँ। ओके विजय। ओके विजय। आओ बेटा आओ। बहुत बड़े पुलिस अफसर हो हैं? बहुत बड़े बड़े गुनेगारों से पाला पड़ता होगा तुम्हारा। क्या पका रहे तुम्हारे? आई मीन कौन से डिपार्टमेंट में? आओ बैठो बैठो बैठो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके माँ बाप कहाँ के रहने वाले हैं? माँ का प्यार तो बचपन से ही नहीं मिला। डैडी अब रिटायर्ड हो चुके हैं, घर ही पे हैं। रिटायर हो चुके हैं? हाँ। तो फिलहाल तुम कहाँ रहते हो बेटा? 4x3 सीमा सोसाइटी। आइए आप किसी दिन घर। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। देखो बेटा, मेरी बेटी बहुत जिद्दी है, उसने अब तक मुझे यहाँ पर बिठा के रखा है। हाँ, हालांकि मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। ओके, नाइस मीटिंग जी। देखो आ गई, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं निकलता हूँ। ओके बाय बाय। अरे डैडी आप जल्दी, कैसा लगा विजय? इतना अच्छा लगा बेटा कि गले में सांस अटक गई। अब बताओ क्या खुशखबरी थी? हिंदुस्तान की सारी पुलिस जिसे गिरफ्तार नहीं कर सकी, हाँ? उसे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। ओह वंडरफुल। और इसलिए मैं नवाबपुर जा रहा हूँ। क्या? मैं नवाबपुर जा रहा हूँ। नहीं नहीं सुनाई नहीं दिया, बताओ क्या क्या? मैं नवाबपुर जा रहा हूँ। थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। मैं नवाबपुर जा रहा हूँ, नवाबपुर। अच्छा। पगली कहेगी। अब बोलो कहाँ जा रहे हो? मैं नवाबपुर जा रहा हूँ, बाय। विजय सुनो, सुनो विजय, देखो ये तो कुछ भी नहीं था, अगर तुम वापस चले जाओगे तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। सुनो विजय। डंडा फेंक थाने दारा ले ले मुझे तो बाहों में। डंडा फेंक थाने दारा ले ले मुझे तो बाहों में। डंडा फेंक थाने दारा ले ले मुझे तो बाहों में। मैं जाने ना दूंगी तुझे रोकूंगी मैं। I'm gonna go.
बाबा बाबा बाबा, आपके आशीर्वाद से वो राधा वाला केस मुझे मिल गया है। अब देखना बाबा, मैं उस राधा को 6 महीने से पहले गिरफ्तार कर लूंगा। अरे हाँ बाबा, मैं ये बताने आया था कि जल्दी से तैयारी कर लो, कल सवेरे से पहले हमें नवापुर पहुंचना है। वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा, चलने की तैयारी। बाबा जल्दी से पैकिंग कर लेना, मैं अभी आया। फिर वही नवापुर। शब्बीर, इस कहानी की शुरुआत नवापुर में हुई थी, इसका अंत भी नवापुर में ही होगा। इंस्पेक्टर, अगर दोबारा कभी इस जमीन पर कदम रखा तो खत्म कर दिया जाओगे राधा। ठाकुर साहब, ये बात मेरी समझ में नहीं आई आपकी। शब्बीर, कभी कभी मुर्दे भी बोला करते हैं, ये भी बोलेगा। दे दे, दे दे, दे दे, ये क्या हो गया दीदी? इंस्पेक्टर विजय, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बड़े किस्मत वाले हो इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ गोली छूकर चली गई, वरना बहुत बड़ा जख्म हो सकता था। रात के अंधेरे में राधा मुझ पे वार करके चली गई, मगर मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। गुस्सा नहीं इंस्पेक्टर साहब, गुस्सा नहीं, गुस्सा बड़ा खराब होता है। बनवाली जी, ये गोलियां उन्हें दे दीजिएगा, रात भर चैन से सोते रहेंगे। ओके सर, गुड लक। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। देखो बेटी, जो होना था सो हो गया,
करना की मौत को, और फिर हम सब भी तो हैं। बाबा क्या पता कौन सी कलम से विधाता ने मेरा नसीब लिखा है, अपने ही मुझसे बिछड़ जाते हैं। विधाता ने तो तेरे भाग में बिछड़ों को मिलाना लिखा था, लेकिन तूने तूने खुद उसे मिटा दिया। कौन हो तुम? ये वो पापी है, ये वो कमीना है, ये वो दरिंदा है जिसने मेरे मुन्ना को मुझसे छीन लिया था, मेरे मुन्ना को मार डाला, मेरे मुन्ना को मुझसे छीन लिया। छीन लिया था। आज से 20 साल पहले खून से लथपथ एक कपड़ा लाया था, आज भी एक कपड़ा लेकर आया हूं, ये भी खून से लथपथ है, वो भी तेरे बेटे का था, ये भी तेरे बेटे का है। तुझे यकीन नहीं आ रहा ना? तो देख, देख इस तस्वीर को गौर से देख, देख राधा, है ना हूबहू मंगल? अरे मैं तो जुर्म की भट्टी में तप कर बेजान लोहा बन गया था, लेकिन जब मैं तेरे बेटे को मारने गया तो मेरे हाथ कांप उठे थे। नन्हे फरिश्ते की मुस्कुराहट और मासूमियत ने मुझे मोम की तरफ पिघला दिया। जिस फूल को मैं कुचलने गया था वही मेरे गले का हार बन गया। उसी हार ने मुझे जिंदगी से चिता दिया। मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तू विजय की जिंदगी से दूर चली जा। कैसे बताऊं मैं कि राधा तेरी मां है? राधा तुम यहां? देखो राधा, मैं एक मां की ममता का दर्द समझ सकता हूं, मैं जानता हूं कि एक मां अपने बेटे को मिले बिना नहीं रह सकती, लेकिन राधा वो पूरी जिंदगी मैंने उसके बगैर निकाल दी थी, लेकिन अब तो मुझे उसे मिला दे। नहीं राधा नहीं, तुम नहीं जानती हो राधा, जितना तुम अपने बेटे को प्यार करती हो उतना ही वो तुम्हारे नाम से भी नफरत करता है राधा, इसीलिए तो मैं खून के प्यासे है। नहीं राधा नहीं, तुम नहीं समझती हो राधा, अगर इसे होश आ गया ना तो कयामत आ जाएगी, कयामत। इसने कभी पूछा था
कि मेरी माँ कैसी है, कहाँ है? पूछा था राधा, 100 बार पूछा था। तूने क्या जवाब दिया? मैंने मैंने कहा कि तेरी माँ मर गई। मैं जानता हूं कि ये तेरा दुश्मन है, लेकिन फिर उसे कभी नहीं मारना, कभी नहीं। नहीं बनवारी, ऐसे तो मेरी पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है। इस पगले ने मेरे आदमी को मारा और अंजन ने भी, मैंने नहीं। राधा, मेरा विजय कभी किसी बेगुनाह को मार नहीं सकता। ये जरूर उस कमीने की चाल है, शायद इसीलिए वो इस गांव में आया है। तुम किसकी बात कर रहे हो? प्रताप सिंह। चूड़ियां पहनकर बैठ गए क्या? आ, बाहर आ। तू वही है ना जिसके जिंदगी के लिए तेरे बाप ने कुछ साल उधार लिए थे, भाग गया था। अब तुझे मिलने के लिए वो खुद ब खुद मेरे पास आएगा। चल मेरे साथ। विजय, विजय, आ भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो। मेरी तो सांस ही रुक गई थी जब मुझे पता चला कि राधा ने हमला कर दिया तुम पर। उससे कितनी गोली मारी? 2-3 गोली मारी थी ना? हैं? 2-3 गोली मारी थी ना? मैं जरा देखू कहां लगी है। अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम से घर चले जाइए। आपके घर पहुंचने से पहले राधा की गिरफ्तारी की खबर आप तक पहुंच जाएगी। दीदी, उस इंस्पेक्टर के बच्चे ने आपके ऊपर वार करके अपनी मौत को दावत दी है, मौत को। दीदी, हम उसकी नींद हराम कर देंगे। दीदी, उसने तुम्हारे गुमान को तोड़ा है, मैं उस हराम की औलाद। विजय मेरा बेटा है, उसकी तरफ किसी ने नजर उठाए तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी। जिसे गिरफ्तार करने के लिए तुम इतना तड़प रहे हो, उस राधा का पता मैं तुम्हें बता सकता हूं। राधा का? तू जानता है झूठ बोलने के इल्जाम में मैं तुझे गिरफ्तार भी कर सकता हूं। जो खुद सच्चाई से मुंह मोड़ कर बैठा है वो मुझे क्या गिरफ्तार करेगा? तमीज से बात कर। तू एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहा है? अब पुलिस इंस्पेक्टर? तुम पुलिस वालों और साफ में कोई फर्क नहीं है। गैर कानूनी मदारियों की बजाई हुई बीन पर तुम पुलिस वाले डोलते हो, लेकिन जब सच्चाई और सच्चे लोग तुम्हारे सामने आ जाते हैं तो अपना फन उठाकर उन्हें डसने जाते हो। अब पुलिस इंस्पेक्टर, बुड्ढे बकवास मत कर। अगर तू वाकई में राधा का पता जानता है तो राधा का पता बताने आया हूं मैं। उसकी जिंदगी की किताब बहुत छोटी है इंस्पेक्टर, लेकिन उस किताब के हर पन्ने पर एक इतिहास लिखा जा सकता है। उसकी आंखों के सामने उसके पति मंगल को मार दिया, जालिमों ने उसके मासूम बेटे राजू को पैरों तले कुचल दिया। कौन सी मां अपने बेटे की हत्या देख सकती है? कौन सी पत्नी अपने पति का कत्ल देख सकती है? इसका मतलब तू राधा और हर उस मुजरिम को जानता है जिसने? हाँ, जानता हूं और बहुत अच्छी तरह जानता हूं। प्यारा और कोई नहीं ठाकुर प्रताप सिंह है। वो मंगल कोई और नहीं, तेरा बाप था।
और वो राधा कोई और नहीं बेटा, तेरी बदनसीब माँ। बाबा बाबा ये याद भी कहता कि वो राधा मेरी माँ है बाबा। बाबा क्या ये सच कह रहा है? बोल बाबा, बाबा क्या ये सच कह रहा है? क्या राधा मेरी माँ है बाबा? जिस तरह तू बेचैन है ना, वैसे मैं भी तेरी गोद में सर रखकर तुझे ये बताने के लिए बेचैन हूं कि इतने बरस मैंने ममता के आंचल का साया छोड़कर इस कड़ी धूप में कैसे बिताए, इस कड़ी धूप में कैसे बिताए मां। मगर क्या मालूम इच्छा भी पूरी होगी कि नहीं। जरूर होगी बेटा, बस बस सिर्फ दो कदम का फासला है। पर अब ये फासला सिर्फ तू ही दूर कर सकती है मां। मां तेरे और मेरे बीच में जो दीवार बनी है ना, उसे अब सिर्फ तू ही गिरा सकती है। मैं तो कानून का रखवाला हूं मां, इसलिए मैं अपना रास्ता नहीं बदल सकता, लेकिन तू अपनी राह बदल सकती है। मैं जानता हूं मेरी मां ने कोई पाप नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। अगर तेरी जगह कोई दूसरा भी होता ना, तो वो भी यही करता जो तूने किया है। लेकिन ये सच है मां, ये सच है कि कानून की नजर में तू एक गुनहगार है, और इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। इस हकीकत को मैं खुद बदल दूंगी, लेकिन लेकिन प्रताप सिंह की मौत के बाद। तू समझती क्यों नहीं मां, कानून को तो अपने हाथों में नहीं ले सकती। मैंने अपने पति के खून से दिया सिंचा है, जब तक ये जलता है तब तक मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर सकती। आज मैं इस दिया को बुझा कर ही रहूं। विजय, देख मां। नहीं विजय, ये दिया नहीं बुझेगा। मैंने अपनी आंखों से अपने सुहाग को उजड़ते हुए देखकर ये कसम खाई थी कि मैं उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मगर मैं तेरी ये कसम कभी पूरी होने नहीं दूंगा। माँ और बेटे से बढ़कर और कोई पवित्र रिश्ता नहीं है। सारी दुनिया इस रिश्ते की पूजा करती है, मगर मुझे डर है कि कहीं ये पवित्र रिश्ता मेरी वर्दी पर एक पद्मा दाग न बन जाए। शाबाश विजय, शाबाश। ये उस दूध का असर है जो तू अपने फर्ज को मां से ज्यादा हिम्मत देता है। फिर सोच, ये अपने फर्ज के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती जिसने तुझे दूध पिलाया है। इससे पहले मेरे आदमी ये भूल जाए कि तुम मेरे बेटे हो।
चले जाओ, चले जाओ, तू चले जाए, जाओ। पहली बार मां के घर आए हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। आइए जमाईराज, आइए आइए। मुझे मालूम था कि तुम मोना के लिए कुछ भी कर सकते हो, और मुझे इस बात का भी यकीन था कि तुम अपनी जान की बाजी लगाकर उस कमीनी को गिरफ्तार करके लाओगे। मुझे इंतजार है उस दिन का जब वो फांसी के तख्ते पर खड़ी होगी और जल्लाद उसकी रस्सी खींचेगा, तब एक और सितारा तुम्हारी वर्दी पर चमकेगा। यकीनन उसकी रोशनी सबसे ज्यादा मेरे चेहरे पर होगी। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा चेहरा बिगाड़ सकता हूं ठाकुर, अगर मैं कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहता। अब फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तुम तैयार हो जाओ, मैं वापस आऊंगा। रुक जाओ विजय, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रुक जाओ बेटा, मेरी बात सुनो। कल तक आपको यह अधिकार था, लेकिन आज इस वक्त आपको बाप कहते हुए मुझे शर्म आती है। आज के बाद मुझे बेटी कहने की कोशिश मत करना ठाकुर प्रताप सिंह। हेलो इंस्पेक्टर विजय, मैं डीआईजी खेतले बोल रहा हूँ। कमिश्नर साहब ने कहा है अगर तुम राधा को ढूंढने में नाकाम रहे हो तो वापस चले आओ। मिस्टर विजय जीत छोड़ दो और बहुत जल्द वापस चले आओ। नो सर, मुझे राधा का पता मालूम है, मैं उसे गिरफ्तार करके वापस आऊंगा। ठाकुर साहब मुबारक हो, आपकी जिंदगी के दरवाजे खुल गए। क्या हुआ? आपके दिखाए हुए रास्ते पर राधा खुद ब खुद मौत के मुंह में चली आ रही है। शिवा, हर इंसान को मुझ तक पहुंचने के लिए सिर्फ यही रास्ते से आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर विजय मेरे गले का नाप निकालने गया है और अपनी माँ को गिरफ्तार भी करना चाहता है और राधा मुझे मारना चाहती है। दोनों को मुझ तक पहुँचने के लिए सिर्फ इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। शब्बीर भीमा, you
हाँ उस दिन गिनती चार तक अधूरी रह गई थी, अब मैं पांच से गिनूंगी और तू भागेगा। Bah.